हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू टेंसेस ऑफ नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बारिश के मौसम में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। तो गाइस, इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, बहुत तेज बारिश हो रही है। जी हाँ, जब बारिश तेज होती है तो हम अक्सर इसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब आप इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट्स रेनिंग हैवली, इट्स रेनिंग हैवली। तो बहुत तेज बारिश होने को इंग्लिश में बोला जाता है, इट्स रेनिंग हैवली। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मौसम कैसा है। जी हाँ, अक्सर इस तरीके से हम किसी से सवाल करते हैं मौसम के बारे में जानने के लिए, और हम कहते हैं आज मौसम कैसा है। तो आप इसको इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे। इस तरीके से इसको इंग्लिश में पूछा जाता है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर थोड़ी बारिश है, बाहर थोड़ी बारिश है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इट्स अ लिटिल रेनी आउटसाइड, इट्स अ लिटिल रेनी आउटसाइड। इस तरीके से इसको इंग्लिश में पूछा जाता है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बारिश में भीग गया हूँ, मैं बारिश में भीग गया हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बारिश में बाहर निकलते हैं, हम बाहर चले जाते हैं और आप बारिश में भीग जाते हैं। आप इसको हिंदी में कहते हैं, मैं बारिश में भीग गया हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई गॉट सॉक्ड बाय द रेन, आई गॉट सॉक्ड बाय द रेन। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो क्या हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कल बहुत तेज बारिश हुई, कल बहुत तेज बारिश हुई। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, इट रेन हैवली यस्टरडे, इट रेन हैवली यस्टरडे। तो रेन की ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में यूज करेंगे, इट रेन हैवली यस्टरडे। और तेज बारिश होने को हैवली मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। इसी तरह गाइस, हमारा एक और नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो बाहर बारिश होने वाली है, देखो बाहर बारिश होने वाली है। अक्सर ऐसा होता है जब मौसम ख़राब होता है और हमें लगता है, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश का टाइम है और बारिश होने वाली है। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, लुक इट्स गोइंग टू रेन आउटसाइड, लुक इट्स गोइंग टू रेन आउटसाइड। मतलब कि जब बारिश होने वाली होती है, आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि मौसम ख़राब है, बादल गरज रहे हैं और बारिश होने वाली है। तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे, लुक इट्स गोइंग टू रेन आउटसाइड। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक आंधी तूफान है, ये एक आंधी तूफान है। तो आंधी तूफान बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको हम जान लेते हैं इंग्लिश में किस तरीके से कहें। इसको आप कहेंगे, इट्स अ थंडरस्टॉर्म, इट्स अ थंडरस्टॉर्म्स। इसका मतलब होता है आंधी तूफान, मतलब जो गड़गड़ाहट होती है, बहुत ही तूफान भरी आता है, मतलब हवाएं चलती हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, इट्स अ थंडरस्टॉर्म्स। ओके, थंडरस्टॉर्म्स मतलब होता है आंधी तूफान होना। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। इस तरह से गाइस, हमारा एक और नेक्स्ट सेंटेंस है, आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है। ऐसा आपने न्यूज चैनल पर भी सुना होगा, ऐसा बताया जाता है कि आज बारिश होने की संभावना है, या फिर आप भी आसमान की तरफ देखकर, मौसम को देखकर आप भी ये बोलते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, इट्स लाइकली रेन टूडे, इट्स लाइकली टू रेन टूडे। इसको इस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है, इट्स लाइकली टू रेन टुडे। इसका मतलब होता है आज बारिश होने की संभावना है। ओके गाइज, तो ये थे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, जिनको बारिश के टाइम में बोला जाता है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। और एक चीज़ और, आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।